आपको सीधा लिए चलते हैं झारखंड की गढ़वा, जहां देश के प्रधानमंत्री पहुंचे हैं, झारखंड चुनावों को लेकर रैली संबोधित कर रहे हैं। सुनिए क्या कुछ कहना है। महत्वपूर्ण है, देश की आजादी के 100 वर्ष पूरे होंगे और झारखंड भी तब 50 वर्ष का होने वाला है। भाजपा ने तो झारखंड के लोगों की आकांक्षाओं का सम्मान करते हुए झारखंड अलग राज्य का निर्माण किया था, और कुछ लोग जो यहां बैठे वो कहते थे हमारी छाती पे झारखंड बनेगा। अरे उनकी छाती पे झारखंड बन गया, लेकिन झारखंड के कुछ नेता उनकी गोदी में जाके बैठ गए। विकसित झारखंड बनाने के लिए बीते 10 वर्षों में झारखंड के इंफ्रास्ट्रक्चर पर बहुत आधुनिक फोकस किया गया है। ये पर्दा नीचे करो, पीछे लोगों को दिखाई नहीं देता है। शाबाश। झारखंड को देश के दूसरे हिस्सों से जोड़ने वाली सड़कों को आधुनिक और चौड़ा किया जा रहा है। यहां रेल कनेक्टिविटी को सशक्त किया जा रहा है। आज झारखंड को 12 आधुनिक वंदे भारत ट्रेनें कनेक्ट कर रही है। गंगा जी पर जो वॉटरवे बन रहा है उससे भी झारखंड कनेक्टेड है। जगदीशपुर, हल्दिया, बोकारो, धामरा, ये गैस पाइपलाइन झारखंड वालों को सस्ती गैस पहुंचाने में मदद कर रही है। यानी झारखंड में बेहतर सुविधाओं के लिए यहां के किसानों, यहां के उद्योगों को बल देने के लिए केंद्र सरकार अपनी तरफ से हर कोशिश कर रहा है।